आप यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट टैब में आपको स्क्रीनशॉट ऑप्शन मिलता है, तो स्क्रीनशॉट के ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ये फुल विंडो का बता रहा है, लेकिन अपने को सेपरेट ई इमेज लेनी है। तो क्या करेंगे आप, स्क्रीन क्लिपिंग, और थोड़ी देर आप वेट करेंगे। अब आपको उनमें से जो भी इमेज लेनी है आप उस पर इस टैब से ड्रैग कर देंगे, आपका जो माउस पॉइंट है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाता है, तो आ गई इमेज। और इसको आप बड़ा छोटा कर सकती है, फिर जैसे इस साइड का एरिया थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से क्रॉप कर देंगे, क्रॉप टूल है, सॉरी क्रॉप क्रॉप ऑप्शन है आपके पास। ठीक, तो अपन यही रहने देते हैं। अब जैसे कि आपने ये इमेज तो ले ली, ठीक है, लेकिन आपको इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड देना है तो अपन दे देते हैं। खाली एरिया में अपन राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और आप यहाँ से पिक्चर एंड टेक्सचर, यहाँ से अपन ऑनलाइन पिक्चर ले लेते हैं। तो आपको यहाँ से टॉपिक डाल दिया करें आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या दे लेगा वो, इसमें पर अच्छी नहीं आ रही। इस टाइप से आ गई, और इस इमेज का अपन थोड़ा सा बड़ा साइज और कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे 3 स्लाइड्स बना ली। अब आपने जो ऑनलाइन वर्क लिया है तो इसमें आप क्या क्या करते हैं, ऑनलाइन से बहुत कुछ हो रहा है ऑनलाइन के द्वारा, आप ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं, मोबाइल वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो आप यहाँ पर टॉपिक लिख लेंगे। अब आपको लिखना किस टाइप से है, अगर इमेज भी लगानी है तो इमेज भी लगा सकते हैं और उसके थॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप आपके मन से लिखना चाहते हैं, अच्छे से सेंटेंस जमाया है आपने, तो आप आपके मन से लिख लेंगे। और अगर आपको नहीं लिख समझ आ रहा कि हम किस टाइप से लिखें, तो गूगल क्रोम है ही अपने पास, आप उसे सर्च कर लेंगे। पहला टॉपिक अपन क्या लें, एजुकेशन ही ले लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ स्टाइल्स मिलती हैं, आपको जो भी स्टाइल लेनी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमने दे दिया। और अगर आपको कुछ अलग से देना, जैसे कि देखिए हम स्माइली की शॉर्टकट की होती है अल्टर के साथ 9786 आ गई स्माइल, ये भी लिख सकते हैं क्या, वन, हाँ ये शॉर्टकट की है, अल्टर के साथ वन करेंगे तो इस टाइप का आएगा, टू करेंगे तो इस टाइप का आएगा, थ्री करेंगे तो इस टाइप का आएगा, फोर करेंगे तो इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो आप अल्टर के साथ करके देखे करें सारे शॉर्टकट की आ जाएंगे, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप। इसका कलर चेंज करना है तो आपको पहले इस पे क्लिक करना रहेगा, कैसे, इसकी बॉर्डर पे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा आपका। अब आप सभी स्टूडेंट एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से ये सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, आते हैं सभी स्टूडेंट्स को, किसको नहीं आते, सभी को आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड आर्ट स्टाइल मिलेगा, यहाँ से आप वर्ड के क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह लेना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर लेना हो, पर अपन तो यही रहने देते हैं, ये लेते हैं रेड। अब आप यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे जो आपने ऑनलाइन एजुकेशन लिया है, तो अपन यहाँ पे चलते हैं और प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपन ले लेंगे टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन। अब आपको टॉपिक इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है वो आप आपके ऊपर डिपेंड है, क्यों, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम होते हैं, तो जिस मीडियम में है वो आप ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में ले लेंगे, हिंदी अच्छी है तो हिंदी में लेंगे, जिसे आपको लेना हो। अपन किस में लो, हिंदी, एंटर कर दें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने दे दिया इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का सबसे नवीनतम तरीका ऑनलाइन शिक्षा है,
जो कि आप सभी स्टूडेंट भी लेते हैं जब आप नहीं आते सेंटर तक। तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अगर ये नहीं लेना तो आप देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर, ये एक साइड आ रही, मतलब लिंक है ये, और भी बहुत सारे लिंक्स हैं आपके पास ऑनलाइन शिक्षा क्या है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे जो भी आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल लैपटॉप है तो ये ले या फिर ऊपर का ले बताइए, ये ले लेते हैं ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और जहां कहीं भी देखिए इसमें बोला है लेकिन इसमें कई नुकसान भी है ठीक है। तो ले ले अपन इसको, अब ये थोड़ा आधा हो पाया तो अपन इसको पूरा ही कर लेते हैं सेलेक्ट। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे माउस से। अब अपन यहाँ पर चलते हैं, अब आपको इसमें बड़ाट नहीं लेना, अगर आप बड़ाट में लेंगे तो देखिए किस टाइप से पेस्ट करें अब हम बताते हैं। ये ले ली, कंट्रोल वी किया, एक लाइन में उसने पूरा टॉपिक लिया है। अब आप उसे कब तक छोटा करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो आप क्या करना डायरेक्टली ही पेस्ट कर देना, इसे हटा देंगे, ब्लैंक एरिया में क्लिक करना और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना तो आ जाएगा आपका। और इसे आप जहां भी कहीं भी सेट करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब इसका फॉन्ट यहाँ पे दिया गया है साइज, आप इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक इस टाइप से जिस भी उसमें रखना हो रख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके बड़ा आर्ट लेना है, नहीं उसको ऊपर आता है फिर वो अलग से थोड़ी ना देता, ऊपर लेता है फिर वो ठीक। अब इसकी इमेज भी देनी है आपको, तो इमेज आप यहाँ पे दे देंगे। तो कैसे लेंगे, अपन ने जो सर्च किया था उसी की इमेज पे चले जाएंगे आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं आपके पास आपको जो भी यहाँ से इमेज लेनी है तो आप ले सकते हैं। अपन यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन इमेज डाल देते हैं, इमेजेस ये आ गए ठीक। तो ये ले लें या ये ले लें, और भी बहुत सारे देखिए कितने अच्छे से पढ़ा लैपटॉप में, ये ले लेते हैं ये अच्छी लग रही है ठीक है। तो इसे आप राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे और पावर पॉइंट पे जाकर आप यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। पर ये नहीं आएंगे देखिए, कभी कभी इस टाइप से आ जाएगा आपका, नहीं आई पिक्चर आपकी। आप इसे अगर यहाँ पर भी मूव करके रखेंगे तो वो इस टाइप से आपका ब्लैंक एरिया बताएगा, तो आप इसे हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि अगर आप उस इमेज को ही लेना चाहते हैं तो बहुत लंबी प्रोसेस रहेगी कि आपकी कॉपी करने पे आ नहीं रही है। और फिर अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं पता नहीं ये इमेज मिली या नहीं मिली आपको वहां पे, तो आप फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज अस करेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। सेव करेंगे पहले फिर उसे इंसर्ट करेंगे आप, तो इससे अच्छा क्या करेंगे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो ये साइड में ओपन हो जाएगी, अगर क्लिक नहीं करना तो वो यहीं पर रहेगी। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे पावर पॉइंट और इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे। थोड़ी देर अपन वेट करते हैं और फिर आप यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। तो आ गई आपके पास इमेज, एक और इमेज लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं यहाँ से, ये वाले देखिए दोनों इमेज आ गए। अब इसको आपको रोटेट वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं, कैसे ये ऑप्शन पड़ा है आपने रोटेट का, ठीक है। और इसका भी थोड़ा अपन बड़ा साइज कर देते हैं, तो इस टाइप से आप इमेज ले लेंगे ठीक है। अपन इसको कंट्रोल एस कर देते हैं जिससे कि ये अपने जो कल बनाए थे उसी में सेव हो जाए। अब आप इसको शो कराने के लिए कीबोर्ड से F5 की करेंगे तो आपकी फर्स्ट स्लाइड रहेगी, माउस से क्लिक कर देंगे या फिर एंटर की कर देंगे या फिर ये चार एरो की है इनसे कर देंगे नेक्स्ट ठीक है। इस टाइप से आपकी स्लाइड आपको शो होंगी, और बैक जाना तो कीबोर्ड में एस्केप की है आप इससे कर देंगे आप। तो ये आपका इस टाइप से अपन इतना बना लिया, नेक्स्ट अपन आगे बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।